वेल कौन से है वो तीन ऐसे प्रोजेक्ट जहां पर रूबीना द लेक आपको कंफर्म नजर आने वाली है। नमस्कार, मैं मुरुदन ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। भाई जब से रूबीना द लेक को बिग बॉस के घर में देखा है, वो विनर भी बन चुकी है, तब से हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिरकार रूबीना द लेक को हम फिर से कहां पर देख सकते हैं। वेल गाइज, आपको बता दूं कि रूबीना द लेक बहुत जल्द बहुत सारी जगहों पर नजर आने वाली है। मैंने यहाँ पे तीन प्रोजेक्ट इसलिए बोला है क्योंकि चौथे प्रोजेक्ट को लेकर मैं कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन खबरें चल रही हैं। पहला प्रोजेक्ट आपको बताती हूँ कि एकता कपूर के नागिन 6 के लिए कहीं ना कहीं रूबीना द लेक ने हामी दे दी है, ऐसी खबरें आ रही है। प्लस आपको बता दूं, दूसरा यहाँ पर कुछ वक्त के लिए कैमियो करती हुई नजर आएंगी शक्ति एक एहसास की में, एक बार फिर से एज सौम्या नजर आने वाली है रूबीना द लेक। तीसरे की अगर बात की जाए तो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के लिए भी यही कहा जा रहा है कि रूबीना द लेक इस शो में नजर आएंगी। वेल ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर 70% और 30% का रेशियो है कि 70% रूबीना द लेक ये तीनों शोज करने वाली है। वेल अब आपको बता दूं यहाँ पर कि करण जौहर ने भी दरअसल रूबीना द लेक और अभिनव शुक्ला को एक फिल्म ऑफर की है, और ये जो एक फिल्म है इस बारे में बातचीत तो चल रही है, क्योंकि एक बार नहीं बल्कि तीन बार रूबीना और अभिनव दोनों ही धर्मा प्रोडक्शन हाउस जो है वहां पर जा चुके हैं, कई बार स्पॉट किए जा चुके हैं। तो इसी बीच ये खबरें आ रही हैं कि ये दोनों जो हैं बहुत जल्द करण जौहर की फिल्म में नजर आने वाले हैं। वेल गाइस, जैसे ही इस बात पर कंफर्मेशन आएगी मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी, लेकिन फिलहाल आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि बाकी तीन प्रोजेक्ट्स में जो रूबीना द लेक नजर आने वाली है, क्या उनके लिए आप लोग एक्साइटेड हैं। वेल जो भी आपको कहना हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही बॉलीवुड और टेलीविजन की सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हेडलाइंस पर।